हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जून आज के वीडियो में हम लोग द कलर पर्पल जो कि एलिस वॉकर की काफी फेमस नॉवल है उसके बारे में पढ़ेंगे तो वीडियो शुरू करते हैं वीडियो जो है काफी इजी लैंग्वेज में होगी वीडियो के थ्रू आपका हेल्प होता है आपके सिलेबस का है ना तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो को कैसा लगा वीडियो शुरू करते हैं द कलर पर्पल इज एन एपेस्टलरी नॉवल एपेस्टलरी नॉवल है रिटर्न बाय ए ग्रेट अमेरिकन ऑथर एलिस वॉकर जिसको कि एक महान अमेरिकन ऑथर एलिस वॉकर के द्वारा लिखा गया है द नावल इज टोल्ड इन एपेस्टरी स्टाइल नॉवल को एक एपेस्टरी स्टाइल में मतलब लिखा गया है थ्रू द यूज ऑफ नाइन्टी डिफरेंट लेटर्स जिसमें कि यूज़ किया गया है नाइन्टी अलग अलग लेटर्स इट मीन चिट्ठी पत्र बोला जाता है उसका यूज़ किया गया रिटर्न बाय द करेक्टर जो कि इस नॉवल के करेक्टर्स के द्वारा ही लिखा गया है आगे है इट वाज पब्लिश्ड इन 1982 इसको पब्लिश करवाया गया था 1982 में एंड लेटर अडॉप्टेड इनटू ए फिल्म ऑफ द सेम नेम और बाद में इसको सेम नेम एक मींस द कलर पर्पल के नेम से इस एक फिल्म के रूप में भी पब्लिश करवाया गया इन दिस नोवेल इस नोवेल में पोएट ट्रेंसिस द ग्रेजुअल लिब्रेशन ऑफ शीलिया शीलिया के एक धीरे-धीरे लिबरेशन इट मींस मुक्ति को दिखाते हैं ए पुअर ए पुओ ब्लैक वुमेन जो कि एक गरीब ब्लैक वुमेन रहती है इट मीन्स वो अफ्रीका की रहती है अफ्रीकन जो भी वुमेन हो मतलब कोई भी पीपल पे हो अफ्रीकन तो उनका कलर स्किन कलर डार्क होता है ना उसी तरह ये जो सीलिया है वो डार्क स्किन टोन की गर्ल है हु मस्ट ओवरकम अब्यूज एंड सेपरेशन फ्रॉम हर बिलव्ड सिस्टर नीति जो कि मतलब ओवरकम करती है उसके अब्यूज इट मीन्स गाली देना वाला इट मीन्स जो बूढ़ा वाला कहे और सेपरेशन इट मीन्स जो उसको उसको अलग कर दिया जाता है फ्रॉम हर बिलव सिस्टर जिस सिस्टर से वो बहुत ज्यादा प्यार करती है उससे जो अलग किया जा कर दिया जाता है इस चीज़ से वो क्या करती है ओवरकम करती है मतलब फ्री होती है इस चीज़ से सेट इन द साउथ ऑफ़ एन अननेम्ड अफ्रीकन कंट्री इस नॉवेल की जो सेटिंग रखी गई है साउथ में रखी गई है जो कि एक अननेम्ड मतलब अफ्रीकन कंट्री है लेकिन उसका कंट्री का नाम नहीं बताया गया ड्यूरिंग द नाइनटीन थर्टीज टू नाइनटीन फोर्टीज नाइनटीन थर्टीज से नाइनटीन फोर्टीज के बीच में सेटिंग रखी गई है नॉवेल की द नावल वॉन दिलुटर प्राइज फॉर फिक्शन इन नाइनटीन एट्टी थ्री नॉवलोजर प्राइज भी मिला नाइनटीन एट्टी थ्री में मेकिंग वॉकर द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू विन द प्राइज और इस वजह से जो वॉलकर है इस पोएम की जो ऑथर है उनको क्या मतलब बन गई वो पहली ब्लैक वूमेन बन गई जो कि पुलिटर प्राइज को जीती थी अब आगे है वॉकर ऑल्सो वॉन द नेशनल बुक अवार्ड वॉकर को नेशनल बुक अवार्ड भी मिला फॉर द फिक्शन के लिए लिखा गया था कि इट इज ए स्ट्रिकिंग एंड कंज्यूमेटली वेल रिटर्न नॉवेल मतलब काफी अच्छा नॉवल उसको माना गया न्यूयॉर्क टाइम्स के अकॉर्डिंग भी फिर आगे है दाव हालांकि द नॉवेल हैज ऑल्सो बीन द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी नॉवल जो है कॉन्ट्रोवर्सी का भी सब्जेक्ट रहा इट मीन्स बहुत ज़्यादा इसको जज भी किया गया द अमेरिकन American... लाइब्रेरी एसोसिएशन जो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन संघ है प्लेज डीट इसको रखता है ऑन द लिस्ट ऑफ टॉप हंड्रेड बैन एंड चैलेंज बुक इन द यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड स्टेट के टॉप हंड्रेड बैन नॉवल जिसको की पाबंदी लगा गई पाबंदी लगा दी गई वैसे नॉवल में से एक माना जाता है द कलर पर्पल को कॉमनली साइटेड जस्टिफिकेशन फॉर बैनिंग और जो बैन करने का जो तो जस्टिफिकेशन दिया गया वो ये बताया गया कि द बुक इंक्लूड सेक्सुअल एक्सप्लीसिटनेस मतलब सेक्सुअल एक्सप्लिसनेस दिखाई

का कारण भी रहा था नॉवेल इन्हीं से ऑफ दिस नोवेल अब हम लोग ऑथर ऑथर के बारे में पढ़ेंगे तो इस की जो है एलिस वॉकर ग्रेट अमेरिकन वो एक महान थी, writer, है ठीक है इन हर होल लिटरेरी करियर अपने पूरे लिटरेरी साहित्यिक करियर में सी रोड सेवनटीन नॉवेल्स एंड मैनी शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन ढेर सारा मतलब सेवेंटी नॉवेल्स लिखी ढेर सारा शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन लिखी ट्वेल्व नॉन फिक्शन वर्क लिखी एंड कलेक्शंस ऑफ एशियन पोएट्री भी लिख रखी है हर वर्क इज फोकस्ड ऑन द स्ट्रगल ऑफ ब्लैक पीपल मेनली जो इनका वर्क होता है ना वो ब्लैक पीपल मतलब जो अफ्रीकन लोग होते हैं जिनका स्किन कलर ब्लैक होता है उनके स्ट्रगल पे वेस्ट होता है मेनली इनका सारा बुक पार्टिकुलरली वुमेन और उसमें मुख्यतः वुमेन पे बेस्ट होता है एंड देयर लाइव्स इन एस रेकस्ट मतलब ज, उनका जीवन को दिखाया जाता है कैसे जातिवाद को लेके सेक्सिस्ट इट मीन्स फीमेल होने की वजह से जो उनके साथ भेदभाव होता है वो चीज दिखाया जाता है वायलेंट हिंसक वायलेंट सोसाइटी हिंसक सोसाइटी को समाज को दिखाया जाता है अकॉर्डिंग टू रेनेट इन द लॉस एंजल्स टाइम्स लॉस एंजल्स टाइम्स के अकॉर्डिंग सी इज़ वन ऑफ द कंट्रीज बेस्ट सेलिंग राइटर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म लिटरेरी फिक्शन सॉरी लिटरेरी फिक्शन की वन ऑफ द बेस्ट के रूप में जाना जाता है किसको एलिस वॉकर को अब आगे है द टाइटल ऑफ द नॉवेल इज एन इंपॉर्टेंट सिंबॉल जो नोवेल का टाइटल है द कलर पर्पल उसका भी एक अलग ही सिंबॉल मतलब एक अलग ही प्रतीक है

इंडिपेंडेंट नहीं थी इट मींस स्वतंत्र नहीं थी ना ही उसकी कोई सेल्फ आइडेंटिटी खुद की पहचान थी विद द हेल्प ऑफ सक्स, अब सग सक के हेल्प से सग भी इस नोवेल की कैरेक्टर है उसके हेल्प से सिली बिगिनस टू मेक ए लाइव लिविंग बाय herself, सेल्फ सिली क्या करती है खुद खुद के लिए लिविंग इट मींस जीवन यापन का सोर्स ढूंढती है कोशिश करती है खुद के लिए एंड गेट इंडिपेंडेंस ऑन इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था के स्तर पर इट मीन्स अर्थव्यवस्था पर भी स्वतंत्रता पा लेती है इट मीनस इकोनॉमिकली भी है ना इंडिपेंडेंट हो जाती है आफ्टर दिस इसके बाद सीव यूर्स पर्पल उसके बाद वो क्या करती है स्टार्टिंग में तो वो पर्पल कलर नहीं वियर करती थी बट बाद में पर्पल कलर वियर करने लगी विथ सोस जो दिखाता है दैट सिल बिगिनस टू गेट डिग्निटी के शिली के अंदर जो है मरी मर्यादा गरिमा ये आ चुका है अब आगे है द नावल नॉवल का ढेर सारा विषय है सच है जैसे कि गॉड भगवान स्परिचुअलिटी इन सब विषय पे बात किया गया है नॉवल में रेस इट इट इटमिन जातिवाद जेंडर रोल्स मेल फीमेल में भेदभाव वायलेंस हिंसा सफरिंग कस्ट सेल्फ डिस्कवरी खुद की तलाश ये सब दिखाया गया है द नावल स्टार्ट विद द प्रोटैगनिस्ट एंड नरेटर ऑफ द कलर पर्पल जो नॉवेल शुरू होता है कलर पर्पल के प्रोटेगनिस्ट मतलब जो मेन कैरेक्टर है उनसे और निलेटर जो मतलब वक्ता है उन्हीं से शुरू होता है शिली से हु इज़ ए यंग पुअर अनएजुकेटेड फोर्टीन ईयर्स ओल्ड अफ्रीकन अमेरिकन टीनेजर जो कि चौदह साल की अफ्रीकन अमेरिकन टीनेजर है अनएजुकेटेड भी है ठीक है लिविंग इन द साउथर्न यूनाइटेड स्टेट इन द अर्ली नाइन्टीज जो कि साउथ यूनाइटेड स्टेट की साउथर्न पार्ट में रहती है अर्ली नाइन्टीज़ में सी राइट्स लेटर वो लेटर लिखती है गॉड भगवान को वो लेटर लिखती है बिकाउस क्योंकि हर फादर अल्फांसो बीट्स एंड रेप सर उसके पिता जो है उसके पीटते हैं और उसका रेप करते हैं सिली टू है चिल्ड्रेन विथ अल्फांसो इट मीन्स अल्फांसो से जो इनका रिलेशन है सिली का उसके साथ उस, उस वजह से को अल्फांसो से दो बच्चे होते हैं एंड ही टेक्स इस चाइल्ड अवे आफ्टर बर्थ और ही टेक्स इट मीन्स अल्फेंसो क्या करते हैं ना अल्फानसो दोनों बच्चों को मतलब दूर ले जाता है उनके जन्म के बाद ही सिली से अब आगे सिली हैज़ अ सिस्टर नेम नीति सिली की एक सिस्टर भी रहती है जिसका नाम है नीति ए मैन नेम मिस्टर एल्बर्ट एक मिस्टर एल्बर्ट नाम का जो इंसान है लाइक्स नीति वो नीति को पसंद करता है बट आफ्टर ही इवेंचुअली मैरिज शिली लेकिन आखिरकार उसकी शादी जो होती है मिस्टर एल्बर्ट की वो शिली से होती है नीति रन्स अवे फ्रॉम अल्फांसो एंड टेक्स रिफ्यूज एट सिलीज हाउट

लेटर लिखेगी बट सिली नेवर रिसीव एनी लेटर्स बट सिली को आज तक तो कोई लेटर नहीं मिला है नीति गोज टू स्टे इन टाउन नीति अब टाउन में रहने चली जाती है विथ सैमुअल ए मिनिस्टर सैमुअल है सैमुअल के साथ रहती है, है, है जो कि एक मिनिस्टर है एंड कॉरिन और कॉरिन है जो कि सैमुअल की वाइफ इन दोनों के साथ सैमुअल और कॉरिन के साथ नीति जो है शहर में रहती है सैमुअल एंड हैव टू कॉरिनेड चिल्ड्रन सैमुअल और कॉरिन के दो एडेप्टेड इट मीन गोद लिए हुए बच्चे हैं ओलिविया एंड एडम हार्पो मिस्टर एलबर्ट सन अब हार्पो जो कि मिस्टर एल्बर्ट का सन है मिस्टर एलबर्ट कौन है जिससे कि शिली की शादी हुई जो नीति को पसंद करता था फ्रॉम हिज प्रीवियस रिलेशन मतलब उसका जो पहले संबंध था मिस्टर एलबर्ट का किसी के साथ तो उसी से जो उनका बेटा है हार्पो फॉल्स इन लव विथ ए गर्ल नेम सोफिया सोफिया नाम की लड़की से इसको प्यार हो जाता है ठीक है ठीक है हार्पो को सोफिया जो भी है ना वो भी ब्लैक वुमेन रहती है शादी कर लेते हैं प्रेग्नेंट होने के बाद एन इन्फीरियर उसको बड़े हीन तरीके से ट्रीट करने लगता है उसके साथ बड़ा वेवा, बुरा व्यवहार करने लगता है, है, के साथ, हार्पो अब हो गई है हार्पो के लगातार

वंस एलबर्ट ब्रिंग्स सग होम एक बार एलबर्ट क्या करते है ना शक को अपने घर ले आता है फॉर सिली के लिए टू नर्स ताकि सिली उसका देखभाल करे

रिलेशनशिप बनता है सेक्सुअल रिलेशन बनता है तो यहाँ पे क्या दिखाया गया होमोसेक्सुअलिटी दिखाया गया जो कि हम बताए थे कि नॉवेल का थीम है इट मीन सेम जेंडर के बीच सेक्सुअल रिलेशन तो ये चीज दिखाया गया है फिर आगे है वन नाइट एक रात सग शिली सग जो है शिली से पूछती है अबाउट हर सिस्टर उसकी बहन के बारे में शिली एज्यूम्स नीति इज डेड शिली बताती है कि उसको लगता है कि नीति जो है मर चुकी है सग से सक कहती है। दैटर इंडिकेट्स लेटर ये चीज इंडिकेट करता था दैट नीति मिसनरी कपल सेमोल एंड कॉरिन ये इंडिकेट करता था उस लेटर से ये पता चला की जो है नीति है उनका जो दोस्त मतलब रिलेशन दोस्त जो फ्रेंड है सैमुअल और कॉरिन के साथ रह, रह रही है नीति कॉरिन नोटिसिंग नोटिसिंग हर चिल्ड्रेन रिजेम्बल नीति अब कॉरिन को क्या लगता है ना कि उसका जो एडेप्टेड चिल्ड्रेन है मतलब जिस जो गोद ले रखी है ओलिविया और एडम को वो बिल्कुल नीति की तरह है वंडर्स इफ नीति एंड शैमोल हैव ए सीक्रेट पास्ट और ये सोचने लगती है कि पक्का नीति मतलब और सैमुअल का कोई अफेयर रहा होगा क्योंकि उसके बच्चे जो है नीति से मिल रहे हैं तो इसको इस वजह से कॉरेन को लगता है कि सैमुअल नीति का कोई पास्ट रहा होगा नीति टू टेल नीति अब सैमुअल को कहती है टू टेल बताने के लिए हर उसको बताने के लिए हाउ ही अडेप्टेड ओलिविया एंड एडम कि एडम और ओलिविया को कैसे अडोप्ट किया बेस्ड ऑन सैमुअल स्टोरी अब सैमुअल की कहानी पे बेस्ड नीति रिलाइज मतलब सैमुअल की कहानी सुनने के बाद नीति को रिलाइज होता है दैट द टू चिल्ड्रेन आर एक्चुअली सिलीज बायोलॉजिकल चिल्ड्रेन जो दो बच्चे हैं वो सीली के बायोलॉजिकल मतलब बच्चे एट में सिली का जो मतलब सिली जो अपने पिता से प्रेग्नेंट थी अल्फान्सो से वो मतलब उसको पता चल जाता है कि ये मेरी बहन के बेटे हैं बच्चे हैं नीति आल्सो लर्नस दैट नीति को ये भी पता चलता है दैट अल्फान्सो इज रियली ओनली नीति एंड सिलीस स्टेप फादर कि वास्तविक में जो अल्फान्सो है वो नीति और सिली का जो है स्टेप फादर इट मींस सौतेला पिता था देयर रियल फादर वॉज ए स्टोर ओनर उसके जो रियल पिता थे वो एक स्टोर के ऑनर मालिक थे हुम वाइट मैन लिंस्ड जिसको कि जिसका कि वाइट मैन मतलब वही क्योंकि वो लोग अफ्रीकन हैं मतलब काले थे उनके पिता भी ब्लैक थे तो इस वजह से व्हाइट मैन के द्वारा उनका लिंस्ड मींस मार डाला गया उनको बिकाउज क्योंकि देर रिजेंटेड हि सक्सेस क्योंकि वे लोग उनका उनके सक्सेस का विरोध कर रहे थे करते थे अल्फोंसो टोल्ड सिली एंड अल्फोंसो सिली और नीति को बताता है ही फादर कि वह उनका पिता है क्योंकि ही टू द हाउस एंड प्रॉपर्टी क्योंकि वह चाहता है हाउस और प्रॉपर्टी का वारिश बनना मतलब वो हरपना चाहता है दैट वॉज वंस इज देयर मदर जो कि उनकी माँ का था ठीक है इस लालच में जो अल्फेंसो है उसकी माँ मतलब नीति और शिली की माँ से शादी भी करता है

रिलीज हर पेंट अप रेज अब सिली क्या करती है ना एक रात डिनर पर डिनर टेबल पे अपने अंदर जो उसका मतलब गुस्सा भरा पड़ा था उस चीज को प्रकट करती है निकालती है एंग्रीली कर्सिंग मिस्टर एल्बर्ट और मिस्टर एल्बर्ट को मतलब पूर्वक बहुत बुरा भला कहती है क्योंकि मिस्टर एल्बर्ट क्या किया था नीति का सारा लेटर मतलब सिली को नहीं दिया हुआ था छुपाया हुआ था इस वजह से एक दिन पूरा बरस पड़ती है मिस्टर एल्बर्ट पे सिली

टर्निंग हर हॉबी इंटू ए बिजनेस और आखिरकार वो अपने हॉबी को मतलब जो करना उसको पसंद था उस चीज को बिजनेस में बदल लेती है, Georgia, अब वापस आती है वो पहले रहती थी ठीक है? अब घूमने के लिए एंड फाइनसो हेज डेडो मर चुका है अल्फांसोज हाउस और अल्फांसो का जो घर था एंड लैंड और जो जमीन थी आर नाउ हॉर्स ये सब जो है अब उसका हो चुका है सो सी मूव इसलिए वो वहीं पर रह जाती है वहीं चली जाती है मीन बाइल नीति एंड सैमो मैरी और नीति और सैमुअल भी क्योंकि कॉरिन की डेथ हो गई है तो नीति और सैमुअल भी शादी करते हैं प्रिपेयर टू रिटर्न टू अमेरिका ये लोग भी प्लान बनाते हैं कि ये लोग अमेरिका वापस आएंगे बिफोर दे लिव वहाँ मतलब वहाँ छोड़ने से पहले क्या होता है सैमुअल शन सैमुअल का जो बेटा है एडम जो कि मतलब जिसको एडेप्ट किए हुए है शैमोल मैरिज टैशी टैशी नाम की लड़की से शादी करता है ए नेटिव अफ्रीकन गर्ल जो कि एक अफ्रीकन गर्ल ही रहती है नीति सैमुअल ओलिविया एडम एंड टैशी मतलब पूरा ये लोग जो है

हर अब ये भी दोबारा शादी करती है हर से और हर के पास आ जाती है वापस एंड नाउ वर्क्स इन सील क्लॉदिंग स्टोर और सोफिया अब सीली के क्लॉथिंग स्टोर इट मीनस कपड़ा का जो उसका स्टोर है उसमें काम भी करने लगती है दस इस प्रकार इन द ना द कलर पर्पल द कलर पर्पल नॉवेल में द ऑथर फोकसेज ऑन क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी को पे फोकस करते हैं सोशल स्टेटस और सोशल सामाजिक स्थिति दिखाते हैं ऑफ़ द ब्लैक दॉवे चीज रिप्रेजेंट करता है द गुड थिंग्स क्रिएटेड बाई गॉड की जो अच्छी चीजें हैं वो भगवान के द्वारा बनाई गई है फॉर बोथ जेंडर दोनों मतलब जेंडर्स के लिए इट मीन्स मेल के लिए भी फीमेल्स के लिए भी टू इंजॉय मतलब जो भी अच्छी चीजें हैं वो मेल और फीमेल दोनों के लिए बनाई गई है भगवान के द्वारा कि दोनों इस चीज का से इंजॉय ले सके अब आगे नो वन कैन अवॉइड दिस ट्रूथ और इस सच को कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता नकार नहीं सकता द इंटायर नॉवेल इज ए सिंबल ऑफ द ह्यूमन क्वेस्ट इंटायर जो पूरा नोवेल है एक प्रतीक है ह्यूमन इंसान मानव के एक खोज का फॉर हैप्पीनेस एंड लव मतलब दिखाता है कि पूरे नॉवेल में इंसान जो हैप्पीनेस खुशी और लव का खोज करता है तो इस तरह से ये नॉवेल यहाँ पे नोट्स खत्म होता है तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा अपने सिलेबस का है तो प्लीज लोग वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ